जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, उस विशाल शिला से प्रभु श्री राम लला जी का अद्भुत स्वरूप बनाने वाले परम भाग्यशाली मूर्तिकार अरुण योगी राज जी का एक बयान लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। एक चैनल के इंटरव्यू में योगी राज जी ने कहा था कि जिस प्रतिमा को बना करके हमने दिया वो प्रतिमा तो बदल गई। तो ये बहुत ही शुभ संकेत है, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा, मूर्ति तो बनी हुई है, उसके अंदर जब प्राण का संचार हो गया तो दिव्यतम स्वरूप में वो आ ही जाती है, सभी भक्तों के कल्याण के लिए, उनको आनंद देने के लिए। यही तो प्राण प्रतिष्ठा का लाभ है कि उस मूर्ति के अंदर प्राण की प्रतिष्ठा हो गई। अनेक विधियों के बाद में तभी विधि जाकर के संपन्न होती है। मेरे भाई बहन, जहां पूजा की बात आती है वही मूर्ति की बात आती है। फिर मूर्ति किस पत्थर की होनी चाहिए, पीतल की होनी चाहिए, किस पर्पज के लिए लिया जा रहा है, मतलब 9 दिवसीय पूजा है, 11 दिवसीय पूजा है, अथवा जो है इस प्रकार का आयोजन है जो कि देवालयों में होता है, तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा विधिवत करनी चाहिए। प्राण प्रतिष्ठा दो रूप में होती है, एक अचल और एक चल। अचल मतलब कि मूर्ति जो है हिलाई नहीं जाएगी, वहीं पर उसको जाम कर दिया जाता, वहीं पर वो विराजमान रहेंगी। और जो चल मूर्ति होती है वो शोभा यात्रा में, नगर भ्रमण के लिए, अथवा बाहर जैसे कि श्री राम विवाह का उत्सव है, रथ यात्रा है, वहां पर जाने के लिए वो चल मूर्ति कहीं भी आ जा सकती है, अचल मूर्ति वहीं रहती है। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के लगभग दोनों मूर्तियों का विधि एक ही है। जैसे कि जब प्राण प्रतिष्ठा होती है तो सर्वप्रथम जो है यज्ञ की तरह कार्य होता है, प्रायश्चित इत्यादि करके, पवित्र नदियों से जल इत्यादि मंगा करके, गणपति पंचांग इत्यादि पूजन करके, और सर्वप्रथम जो है मूर्ति का कर्म कुटी प्रकरण होता है। कर्म कुटी में सर्वप्रथम मूर्ति को जो है पूजन इत्यादि के पश्चात में आंखों में पट्टी बांध दी जाती है। उसके बाद में जलाधिवास होता है, मतलब जल में उनको सुलाया जाता है, उसकी भी अलग विधि है। वहां से फिर बाद में निकाल करके बीच में और पूजाएं होती हैं। फिर उनको जो है अन्नाधिवास होता, एक अन्न नहीं तो 5 प्रकार के अन्न, जैसा समय और सुविधा हो। अन्नाधिवास तो कम से कम एक अन्न में होना ही चाहिए। इसके बाद में वस्त्राधिवास होता है, फिर उसके बाद में पुष्पाधिवास होता है, माने फूलों से उनको पूरा ढक दिया जाता है। इसके पश्चात में नैवेद्य इत्यादि अर्पण करके फिर फलाधिवास होता है, और सब कह सकते हैं अधिवास में लास्ट में जो है शय्याधिवास होता है, जिसमें प्रभु को जो है सुलाया जाता है। इसके पश्चात में साथ में शास्त्रीय विधि चलती रहती है, पूजन और हवन इत्यादि की। जब शय्याधिवास हो जाता है तब प्रभु का महास्नान होता है। उस महास्नान में कई प्रकार के औषधियों से उनको स्नान कराया जाता है, उनकी विधिवत जो है सर्वांगीण स्नान इत्यादि के पश्चात में फिर उनको जो है न्यास कराया जाता है। न्यास के बाद में अगर चल प्रतिष्ठा करना है तो अचल प्रतिष्ठा करना है तो सामान्यतः नगर भ्रमण कराया जाता है, जहां पर प्रभु बैठने वाले हैं उस पूरे नगर का दर्शन कराया जाता है। पर अयोध्या जी में तो संभव नहीं था, ये लाख लाख जन पूरा जो है मामला जय जय सियाराम हो जाता, सुरक्षा की दृष्टि से, व्यवस्था की दृष्टि से। तो उसके पश्चात में फिर उनको वहां पर नगर भ्रमण करके नहीं, फिर वहीं से उनको ले जाकर के बैठाया जाता है, फिर प्राण प्रतिष्ठा का मुख्य कार्य प्रारंभ होता है। सामान्यतः आप ऐसा कह सकते हैं जैसे मोबाइल पूरा बना होता है और उसमें सिम कार्ड लगाया गया और वो पूरा उसका हर एक फंक्शन एक्टिवेट हो गया। हालांकि ये उपमा उचित नहीं है, पर समझने के लिए तो ठीक ही है। और इसके बाद में फिर प्राणों का न्यास करके संचार होता है, फिर नेत्रोत मिलन होता है, उनको दर्पण दिखाया जाता है। कई लोग ये बहुत सारा भ्रम फैला रहे हैं कि शीशा टूट जाता है, ये सब हो जाता है, इन सब भ्रम में अपने को नहीं पड़ना है। पर हाँ, प्रभु का तेज स्वयं आपन तेज समारोह आपे करके वो शीशा उनको दिखाया जाता है। बाद में फिर पट्टी खोलते समय
फिर उसके बाद में उनकी महाआरती की जाती है, उसके बाद में पुनः पूजन इत्यादि करके और रेगुलर भक्तों के लिए जो है वो दर्शनीय हो जाते हैं और उनका लाभ मिलना प्रारंभ हो जाता है। तो ऐसा ही करने का प्रयत्न करना चाहिए। तो जब इतना सारा होते ही तो पहले तो प्राण प्रतिष्ठा हुआ, फिर इतना होने के बाद दैवत्व तो आ जाता है उस प्रतिमा के अंदर। इसीलिए तो नियम है कि मंदिर में गर्भगृह में हर व्यक्ति को जाना नहीं चाहिए। जो पुजारी जन है अथवा जैसे कि महाकाल इत्यादि में आप जाते हैं, वहां भी जो है केवल धोत वस्त्र धारण करके ही जाया जाता है और अन्य वस्त्र को पहन के नहीं जाया जाता है। इसका मतलब आपने स्नान किया और सीधे वहां से चले गए। तो इससे हमें यहाँ पर ये काफी कुछ सीखने को मिलता है। तो जैसा कि अरुण योगी राज जी ने कहा, निश्चित ही जो है वो इस बात का प्रमाण है कि श्री राम लला जी साक्षात उस प्रतिमा में आकर के उस विग्रह को स्वीकार कर लिए, उसमें विराजमान हो गए। और आप जो मैंने थंबनेल में पोस्टर भी लगाया, उसमें भी आप देखेंगे पहले की प्रतिमा और बाद की प्रतिमा। श्री राम लला जी तो बहुत बड़ी बात हो गई मेरे भाई बहन। मुझे याद है बाल्यावस्था में जब मैं गुरु जी के यहाँ रहने गया था, 7 साल में शायद जाना हुआ था अवस्था में, फिर 1 वर्ष के बाद आया तो हमारे जो ग्राम के चाचा बाबा जी इत्यादि थे वो हमसे एक अलग तरह की बातें करते थे और मेरा उत्तर भी आम बच्चों के अपेक्षा कुछ अलग ही शब्दों में उनसे होता था। तो एक गुरुकुल में रहने से एक फर्क हमारे अंदर आया। इसी प्रकार से जो बच्चे सैनिक स्कूल में जाते हैं, कहते बच्चा तो बदल गया भैया, अभी घर में तो कैसा सोता, कैसा उठता था, कैसे सामान फेंक देता था, तो आने के बाद कितना डिसिप्लिन हो गया। आप और भी देख लें, जैसे हमारी बेटियां हैं, बहनें हैं, बच्चियां हैं, उनका जब विवाह होता है, विवाह के 2 दिन पहले 3 दिन पहले तक वो आम लड़कियां लगती हैं, लेकिन जहां से फिर स्तंभारोपण हो गया, वैवाहिक कार्य प्रारंभ हो गया और खास करके मंगल हल्दी जहां से लगा, वहां से उनका आप स्वरूप देखें और जिस दिन वो दुल्हन बनती हैं तो उनका स्वरूप ही अलग होता है, दिव्यतम होता है। उसके बाद से जो पूर्णतः, क्योंकि वो एक सामान्य कन्या से वो स्त्री बन जाती हैं, एक वधू बन जाती हैं, महालक्ष्मी स्वरूपा अथवा सरस्वती स्वरूपा हो जाती हैं, तो वहां से उनका दर्शन, उनका चेहरा लगते नहीं हमारी ही बेटी है, कल तक हमारी ही बहन है, ऐसे थी और आज कितना दिव्य रूप हो गया, क्योंकि वो संस्कारित तो हो गई। तो जो प्राण प्रतिष्ठा होता है तो उसका उद्देश्य ये है कि प्रभु विग्रह में स्वयं आकर के विराजमान हो जाएं। पर होने के बाद में उसका नियम भी होता है कि आपने प्राण प्रतिष्ठा किया तो 3 दिनों तक अगर अन्न का भोग नहीं लगेगा तो दैवत्व वहां से प्रस्थान कर जाती है। इसीलिए हर एक दिव्य मंदिर में जो है अंदर गर्भगृह में जाना भी नहीं चाहिए, ना अलाउ होता है, और वहां नित्य भोजन का भोग लगता है। और मेरा अहो भाग्य रहा है कि श्री राम जन्मभूमि के जो पहला स्वरूप था, मतलब उस आकार के अंदर प्रभु थे, तो वहां का प्रसाद भी ग्रहण करने को कई बार प्राप्त हुआ है। तो मेरे भाई बहन, मंदिर भी लोग कहीं भी बना देते हैं, नाली के किनारे, नाला के किनारे, यहाँ वहां, ऐसा नहीं बनाना चाहिए। मंदिर जो है पूजा केवल देवताओं का पूजा किया जाता है, जिसका उल्लेख शास्त्रों में आया है। किसी बाबा दादी को आप एक सम्मान पूर्वक अपने गुरुजन आदि का प्रतिमा रख सकते हैं, पर वो दैवत उनमें नहीं आएगा। वो जो है, जो शास्त्रों में भगवान का अवतार है, अवतरण है, उनमें भी कुछ विग्रह को छोड़ करके ही जो है उसके अनुसार करेंगे। जैसे कि मोबाइल में आप जो सिम कार्ड में नंबर मिलता है, वो नंबर आप एक्टिवेट करोगे तो ही काम करेगा। अपने मन से कोई भी नंबर डाल लोगे तो एक्टिवेट नहीं होगा और रॉन्ग हो जाएगा, पूरा परिश्रम आपका व्यर्थ जाएगा। इसी प्रकार से पूजा करें हम तो हमें ध्यान देना चाहिए। और कह सकते हैं कि अहो भाग्य उनका है, मूर्तिकार योगी राज जी का, अरुण जी का, क्योंकि असंख्य असंख्य कारीगर भी हैं और ये 125 करोड़ से भी अधिक अपने हिंदू बंधुजन हैं। इतने लोगों में प्रभु ने उनको चुना, बिल्कुल सही चुना, और जो उनका वाक्य है, उनके आंखों में जो प्रेम है, जो करुणा है, इसीलिए तो ठाकुर जी ने उनको अपनाया कि तुम्हारे माध्यम से हमें यहाँ पर आना है। तो उनका कहना कि जो है मूर्ति परिवर्तित हो गई है, निश्चित ही सत्य है, और इस बात का प्रमाण है कि समस्त भक्तों की श्रद्धा भगवान के चरणों में न्योछावर हो गई और साक्षात हमारे राम जी महाराज श्री राम लला के रूप में अयोध्या धाम में विराजमान हो चुके हैं।
हमें समय समय पर जाने का प्रयत्न अवश्य करना चाहिए। जय सियाराम। इससे संबंधित कुछ प्रश्न हो तो कमेंट्स कीजिएगा, बताने का प्रयत्न करूंगा। वीडियो आपको उचित लगे तो निश्चित इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय सियाराम।